तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम फिर से अपने माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक वाले वर्ल्ड में, क्योंकि यार तुम लोग कमेंट्स और मैसेजेस में बहुत डिमांड कर रहे थे कि एक और वीडियो लेके आओ। और हमारे लास्ट टिकटॉक हैक वाली वीडियो में मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाना तो भूल ही गया था। हम लोगों ने यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल बनाई थी, ये बेड बनाया था और हमारा स्पेशल गेमिंग पीसी भी बनाया था, लेकिन उसके बाद हमारा स्पेशल गेमिंग चेयर तो मैं तुम लोगों को दिखाना ही भूल गया था। तो आज मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा और साथ साथ में मैंने कुछ और नए गजब टिकटॉक हैक्स देखे हैं यार, तो वो भी तुम लोगों को जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर अपना गेमिंग चेयर फटाफट से बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं फटाफट से सामान ले लेता हूँ। ओके गाइस, हमारा सामान रेडी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें चेयर बनाना है इस ब्लॉक पे। तो इस ब्लॉक में हमें होल करना है और एक और होल करना है। तो हम लोगों ने यहाँ अंदर में दो होल कर लिया। अब इस वाले होल के अंदर में हमें पहले डालना है हॉपर। हमने हॉपर डाल दिया। अब हॉपर के ऊपर में हमें लगाना है आर्मर स्टैंड। आर्मर स्टैंड हमें बैठ कर लगाना पड़ेगा। और ध्यान रखना कि तुम आर्मर स्टैंड को थोड़ा टेढ़ा लगाओ ताकि वो ऐसे लगे। और हम लोग एक और आर्मर स्टैंड लगाएंगे और वो भी इस तरीके से, तो ये क्रॉस की शेप ले लेगा ताकि वो चेयर का बेस बन सके। आप लोगों ने देखा होगा गेमिंग चेयर का बेस एक तरह का क्रॉस होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो अब हमें एक और आर्मर स्टैंड डालना है, तो हमें फिर से ऊपर से डालना होगा क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं डाल पाएंगे, यहाँ पर एक लग चुका है। तो अब ऊपर से डालने के लिए यहाँ पर व्हाइट कंक्रीट लगाओ इस तरीके से। हमें आर्मर स्टैंड को इस तरीके से लगाना है ताकि बाद में क्रॉस का शेप ले ले। अब हम इसे नीचे वाले ब्लॉक को तोड़ देंगे, तो ये देखो ये क्रॉस का शेप ले लिया, कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा बेस है, ठीक है। तो हमारा गेमिंग चेयर का बेस रेडी है। अब हमें इस वाले ब्लॉक को ढकना है, यहाँ पर जो ये गैप बना हुआ है, तो इस गैप को ढकने के लिए हमें व्हाइट कंक्रीट ब्लॉक लगानी होगी। यहाँ पर हमें ये दो व्हाइट कंक्रीट ब्लॉक को इसके अंदर डालनी है, तो उसके लिए हमें ऊपर में दो पिस्टन लगाने होंगे। मैंने पहले से ऊपर छत तोड़ दी थी ताकि पिस्टन लगाने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसे यहाँ पर ऐसे सपोर्ट में लगाएंगे और पिस्टन लेकर इसे डाउन फेस करते हुए ऐसे लगा देंगे और एक और इसके जस्ट ऐसे लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पिस्टन को खोलेंगे तो ये दोनों कंक्रीट वॉल नीचे चला जाएगा। तो हम लेंगे रेडस्टोन ब्लॉक, इसे खोला और इसे खोला, तो ये देखो ये दोनों नीचे जा चुका है। अब इसे तोड़ दो, बाकियों का काम नहीं है। और इसे भी तोड़ दो, तो ये देखो हमारा ये ब्लॉक भर चुका है। अब ये चेयर का स्टैंड बन गया है, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर में बनानी है सीट। तो सीट बनाने के लिए हमें लगेगा एक स्लैब। अब स्लैब को भी हमें पुश ही करना होगा, तो उसके लिए फिर से पीछे हमें वॉल बनानी है। यहाँ पे दो लगा दो, इसके ऊपर में रख दो एक स्लैब। अब हमें इसके ऊपर में लगाना है पिस्टन, तो उसके लिए पहले यहाँ पर रखो और यहाँ पर डाउन फेस करते हुए फिर से एक पिस्टन लगा दो। अब हम पिस्टन को खोलेंगे तो ये स्लैब नीचे आ गया। अब हम इसे तोड़ देंगे, तो ये देखो हमारा ये सीट बन चुका है। अब हमें बैक बनाना है इस सीट का बैक। सीट का बैक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर ऊपर आएंगे और ये ट्रैप डोर लेंगे। मैंने लिया डार्क ओक ट्रैप डोर क्योंकि कलर मैच हो रहा है दोनों का, और इसे यहाँ नीचे में लगाएंगे और इसको फिर खोल देंगे। तो ये हाफ सीट बन चुकी है, तुम लोग को देख सकते हो। अगर हमें थोड़ा और बड़ा करना है तो हम इस पर बैठेंगे, यहाँ पर लगाएंगे कुछ ऐसे, इसके जस्ट हमें ऊपर लगाना है और इसको खोल देंगे, तो ये लंबी सीट बन गई है। अब हमें इस सब का कोई काम नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और सुंदर दिखने के लिए हम लोग इस पर ब्राउन बैनर लगा देंगे यहाँ पर, और फिर इस सीट पर भी हम एक कारपेट रख सकते हैं। तो ये देखो हमारा पूरा गेमिंग चेयर रेडी है, हमारा गेमिंग पीसी रेडी, हमारा गेमिंग चेयर रेडी। इस गेमिंग चेयर पर बैठ जाओ और यहाँ पर आराम से गेमिंग करो, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो तुम लोगों ने अभी तक ये ट्राई नहीं किया तो ये भी जरूर से ट्राई करना और मुझे फोटो मेरे इंस्टाग्राम पे भेजना, आई एम आयुष मोर, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो मैंने जो भी मॉडर्न सीक्रेट हाउस वाले वीडियो में फर्नीचर बनाए थे वो सब मैंने तुम्हें दिखा दिए। अब तुम्हें याद होगा जो मेरी लास्ट सर्वाइवल वाली वीडियो थी उसमें मेरे पीछे पिलेजर्स पड़ गए थे और वो पिलेजर्स मेरे घर के बाहर पहरा दे रहे हैं और मुझे वहाँ से बाहर निकलना है। तो मैं ढूंढ रहा था कि कैसे भी करके उन पिलेजर से पीछा छुड़ा सकूं। तो मुझे एक बहुत ही जबरदस्त टिकटॉक हैक मिला, वो तो तुम लोग को बहुत पसंद आएगा। उस टिकटॉक हैक की मदद से हम पिलेजर्स को टेम कर सकते हैं। यार तुम लोगों ने कभी सुना है कि हम पिलेजर्स को भी टेम कर पाए? अगर मैं उसे सर्वाइवल मोड में कर पाया ना तो कितना मजा आएगा यार। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम पिलेजर्स को कैसे टेम कर पाएंगे। और अब हैक बनाते हैं। इस हैक को बनाने के लिए हमें ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा सिर्फ एक कोबल स्टोन, पिलेजर्स एग और स्लैब में ब्रिक स्लैब से भी काम चल जाएगा।
हमें पिलेजर के लिए पहले एक छोटा सा रूम बनाना है, एकदम छोटा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे मैं यहाँ पे बना लूंगा। तो उसको मैं यहाँ बनाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर एक लगाया, फिर हमें यहाँ पर एक और लगाना है कोबल स्टोन। यहाँ पर एक लगा दो और यहाँ पर एक लगा दो। फिर दूसरी लेयर भी इसकी यहाँ पर लगा देंगे हम। अभी बीच में गैप है, बीच में हमें यहाँ पर पिलेजर को डालना है। लेकिन उससे पहले हमें ऊपर में एक एक स्लैब भी रखना है। तो हम यहाँ पर एक ब्रिक स्लैब, कोई सा भी स्लैब रख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम ब्रिक स्लैब रख रहे हैं और अंदर में हम एक पिलेजर को स्पॉन कर देंगे। तो ये पिलेजर अंदर जा चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो सेकेंड वाला लेयर है इसे तोड़ देना है और इसके ऊपर में भी एक स्लैब लगाना है। इसे भी तोड़ो, यहाँ पर एक स्लैब लगाओ। इसे तोड़ो, यहाँ एक स्लैब लगाओ। और इसे तोड़कर भी यहाँ पर एक स्लैब लगा दो। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे बीच में गैप दिखाई देगा। इस गैप में से देख के प्लेजर हमें शूट तो करेगा, लेकिन उसका बो वहीं पर रुक जाएगा, हमें नहीं लगेगा। अब क्या है कि हम लोग क्रिएटिव मोड में है, तो क्रिएटिव मोड में होने की वजह से ये प्लेजर हमें देख तो रहा है लेकिन हमें मार नहीं रहा। अब हमें क्या करना है कि हमें सर्वाइवल मोड में जाना है ताकि ये हमें मारे, और इसके मारने से इसका क्रॉस बो का बो खत्म हो जाएगा और इसका क्रॉस बो ही टूट जाएगा। तब ये हमें कुछ नहीं करेगा और तब हम इसे टेम कर पाएंगे। तो अभी मैं सर्वाइवल मोड में जाता हूँ। तो अभी मैं सर्वाइवल मोड में जाने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि हमें इसके एक इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे खड़ा होना है। ये ब्लॉक छोड़ के हमें इस ब्लॉक पे खड़ा रहना है। अगर हम इस लेंथ पे खड़े रहेंगे तभी हमें इसका बो नहीं लगेगा, नहीं तो अगर हम इधर उधर खड़े हो जाएंगे तो ये हमें बो मार पाएगा। तो अभी हम सर्वाइवल मोड में चलते हैं। सर्वाइवल एंटर। तो तुम लोग देख सकते हो अभी मैं सर्वाइवल में आ गया हूँ और ये जो भी तीर हमें मार रहा है ये सब यहीं पर लग रहा है, हमें एक भी शॉट नहीं लगेगा। अगर मैं थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर लूंगा ना तब मुझे शॉट लगने लग जाएगा। अब हमें काफी देर तक वेट करना होगा जब तक इसका पूरा बो खत्म नहीं हो जाता, और बो हंड्रेड्स में है यार। तब तक हम ओहो ये तीर हमें लगा, ये क्या हो रहा है। तब तक हमें वेट करना होगा कि इसका बो खत्म हो जाए। अब हमें ऐसे काफी देर तक वेट करना पड़ सकता है, तो मैं कुछ मिनट बाद तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। A few moments later. तो यार ये हैक पूरा परफेक्टली फाइन भी नहीं है, मुझे फिर भी इसके कुछ शॉट्स लग रहे थे। और तुम लोग देख सकते हो मेरा हेल्थ बार थोड़ा कम हो गया है, इसलिए मैंने शील्ड हाथ में ले लिया है और मैं शील्ड पकड़ के खड़ा हूँ, कहीं थोड़े बहुत शॉट्स लगे तो भी मैं बच जाऊँ। और मैंने यहाँ पर एक और आगे में वॉल खड़ी कर दी, क्या पता मुझे उसके वजह से शॉट ना लगे। मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं और कितना टाइम लगता है। A few minutes later. तो मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गया है और मैंने कुछ फूड भी हाथ में ले लिया, नहीं तो मेरी हेल्थ बार 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 कम हो रही थी। मुझे 3-4 शॉट्स बीच बीच में लग जाते हैं। अब हमें थोड़ा और वेट करना होगा जब तक इसकी क्रॉसबो का बो पूरा खत्म हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। A little longer than a few minutes later. अभी मैं ठीक पोजीशन पर खड़ा हूँ, मुझे काफी देर से बो लगा नहीं है। यार ये कितना बो लेके घूमता है, कब खत्म होगा इसका बो। और इस टिकटॉक हैक को किसने इतना पेशेंस के साथ ट्राई किया यार, कितनी देर तक वो खड़ा रहा होगा तब जाके उसका क्रॉस बो टूटा। भाई हैट्स ऑफ टू दैट मैन यार। एक सेकेंड, आवाज आना बंद हो गई। ओ माय गॉड, ये मुझे नहीं मार रहा, इसका क्रॉसबो टूट गया है और मैं अभी भी सर्वाइवल में ही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरे पास को तोड़ने का सामान नहीं है, मुझे अब क्रिएटिव में जाके इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे तोड़ता हूँ और ये देखो इसके पास कुछ भी नहीं है, ये तो आराम से चल रहा है यार। और मैं सर्वाइवल मोड में आके देखता हूँ कि ये मेरे पीछे आता है क्या, मुझे काफी डर लग रहा है। मैं शील्ड हाथ में ही रखूंगा, कहीं ये मुझे पागलों की तरह मारने ना लग जाए। मैं जाता हूँ अब सर्वाइवल मोड में, ये मैंने दबा दिया। ओ ये कुछ भी नहीं कर रहा मुझे, वाओ ये तो एकदम ऐसे खड़ा है जैसे कुछ बात ही नहीं है। हेलो, हाथ मिलाएगा मेरे से, हाथ मिलाओ। अरे यार कितना मस्त लग रहा है, कैसे देख रहा है मुझे, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे बस घूर रहा है ये। अब गाइस मैं इसे नेम भी दे सकता हूँ, जैसे हम एनिमल्स को नेम देते हैं वैसे हम इसे नेम भी दे सकते हैं। हमारे पिछले टिकटॉक हैक से एनविल तो रेडी है, अब हमें चाहिए नेम टैग। तो मैं क्रिएटिव मोड से नेम टैग ले लेता हूँ पहले। ओके, तो मुझे नेम टैग मिल गया। अरे रुक, कहाँ जा रहा है, तुझे अभी नाम देने की बारी है। इसमें डाला नेम टैग, यहाँ पर डालो। इसे हम अपना क्या नाम दे, इसका नाम चोमू दे देते हैं, ये सही रहेगा। तो अब हम जाएंगे और इसको नामकरण चोमू करके आएंगे। ये देखो इसका नाम चोमू हो गया है। यार पिलेजर्स को हम ऐसे टेम भी कर सकते हैं, काश मैं अपने सर्वाइवल मोड में उन बाहर के पिलेजर्स को ऐसे टेम कर पाता यार, कितना परेशान कर रहे हैं वो लोग मुझे। ये बढ़िया हैक लगा। अगर मैं इसे डायमंड का स्वॉर्ड दे दूं तो ये मुझे मारेगा क्या। ये ले ले ये स्वॉर्ड ले। अरे तो स्वॉर्ड उठाया ही नहीं, इसका मतलब ये कुछ भी पिक नहीं करेगा। अगर मैं इसे क्रॉसबो दूं तो ये क्रॉसबो ले लेगा क्या, क्रॉसबो तो इसी का चीज है। ये मैंने लिया क्रॉसबो, अब मैं क्रॉसबो इसे ये दे देता हूँ, ये तो भी पिक नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कोई सामान पिक नहीं करेगा। मैं इसे मारता हूँ, मुझे मारना है इसे यार। अरे यार क्या मजा आया मुझे, तू ये ले अब तू मुझे मार। ये नहीं मारेगा, इसमें हिम्मत ही नहीं है मुझे मारने की। मुझे मारने की किस में हिम्मत हो सकती है, यू नो आई एम द बेस्ट। चलो हमने इसे यहाँ पर टेम कर लिया, अभी यहीं रहेगा।
बढ़िया है यार, मुझे बहुत मजा आया। मैं इसे पूरा ठीक कर लेता हूँ, ये हमारी टिकटॉक हैक की निशानी रहेगी हमेशा के लिए यहाँ पर। ये देख, इस सेटअप की वजह से आज तू मेरा दोस्त बना है और तू मुझे कुछ भी नहीं कर रहा। गाइस, हमारा ये टिकटॉक हैक तो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहा। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट टिकटॉक हैक दिखाता हूँ, वो तो और भी मजेदार होगी यार, हम उसे भी ट्राई करते हैं। अब तुम्हें तो पता ही है कि क्रीपर इस दुनिया में किसी को पसंद नहीं है, सब उससे दूर भागते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि क्रीपर भी किसी एक चीज से दूर भागता है और वो उससे डरता है? मतलब ये जब मुझे पता चला था ना, मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे क्रीपर से नफरत है और मुझे उन्हें कैसे भी करके सबक सिखाना है। तो मुझे इस हैक के बारे में पता चला, तो मैं तुम्हें दिखाऊं कि क्रीपर किस चीज से डरता है। पहले हम यहाँ पर एक केज बना लेते हैं और उसके अंदर में क्रीपर को यहाँ बंद करेंगे। तो फटाफट से हम यहाँ पर पूरा एक केज बना लेते हैं छोटा सा, ताकि क्रीपर यहाँ से बाहर ना निकल जाए डर के मारे। ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम। तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा केज बना लिया है। अब मैं यहाँ पर क्रीपर को स्पॉन करूंगा क्रीपर स्पॉन एग से। जितना कर सके उतना करो ताकि ये पूरा भर जाए। इसको पूरा भर देंगे हम क्रीपर से और फिर देखेंगे कि यहाँ पर होता क्या है। अभी ये क्रिएटिव मोड में है हम लोग, तो ये फटेगा भी नहीं हमारे सामने। अगर हम सर्वाइवल में होते ना, तो ये पूरा फट के पता नहीं कितना बड़ा होल कर देता है यहाँ पर। इसलिए हम लोग यहाँ पर, ओ ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, बीच में फंस गया, ये तो बीच में फंस गया यार। और ये बढ़िया है, ये यही फंसा रहा है, तू यही फंसा रहेगा। तुम लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पर पूरा क्रीपर से भर दिया हूँ यार। अब तो स्पॉन होने की जगह भी नहीं बची है। तुम लोग देख सकते हो मैंने पूरा भर दिया है, हालांकि फिर भी कुछ जगह खाली है, तो मैं उससे भी भर देता हूँ यहाँ पर। एक भी जगह नहीं छोड़ेंगे, पूरा क्रीपर से भर देंगे। आई गेस इतना काफी रहेगा क्या एक बार के लिए? तो हम लोगों ने इसे क्रीपर से भर दिया है। अब तुम्हें बताऊं कि ये किस चीज से डरते हैं? ये डरते हैं कैट से, बिल्ली से। अब मैं यहाँ पर कोई भी बिल्ली छोड़ दूंगा ना, तो इनका रिएक्शन देखना तुम लोग। मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, यहाँ पर पूरी भीड़ लगी हुई है, तो अंदर में डाल देते हैं बिल्ली। और ये देखो, ये सब भाग गए। और राम कैसे भागे हैं, कैसे डर गए ये लोग। तुम एक्सपेक्ट कर सकते थे इस तरीके से डरेंगे? अगर मैं इस तरफ डाल दूं तब क्या होगा? तब ये कहाँ जाएंगे? कैसे डर रहे हैं, एक बिल्ली से डर गए लोग। रुको रुको, मैं यहाँ लगा देता हूँ। अरे बाप रे, इनकी हालत टाइट हो चुकी है, कहाँ जाए ये लोग। जब मुझे ये बात पता चली ना कि क्रीपर्स कैट से डरते, मुझे इतनी खुशी हुई। अब तो मैं सबसे पहले कैट को ही रखूंगा अपने साथ और उसे ले लेके घूमूंगा, ताकि ये मेरे पास भी ना आए क्रीपर। कितने मजे आ रहे हैं देख के, कैसे इनकी हालत खराब हो गई। अगर मैं इधर से तोड़ दूंगा ना, तो ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे एक सेकेंड में। अरे कैसे डर रहे हैं लोग। कैसा लग रहा है तुम लोगों को क्रीपर्स को डरते हुए देख के? मुझे जरूर से कमेंट में बताना। और अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख लियो, तो नीचे माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम लोग पूरी वीडियोस देख रहे हो यार इतने टाइम से। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक तो तुम लोगों ने कर ही दिया होगा, ये चीज बार बार बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तुम लोग मेरी पिछली वीडियोस यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो चैनल पे जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और भी मजेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।